अस्सलामुअलैकुम। तवे के ऊपर आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी, एकदम परफेक्ट सी, नरम नरम सी और खाने में टेस्टी सी। ये तंदूरी रोटी आप घर पर वो भी तवे के ऊपर बना सकते हैं और ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तंदूरी रोटी बनाते हैं। तो इसलिए मैंने डाल दिया है 2 कप मैदा। तो यहाँ पर हमने 2 कप, ये देखिए, मेजरिंग कप से मैदा डाल दिया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा। उसके साथ साथ मैंने 1/2 कप यहाँ पर दूध ले लिया है और दूध में हम यहाँ पर डालेंगे 3 चम्मच दही। तो यहाँ पर 3 चम्मच भर के मैंने दही डाल दिया। 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून डाल दिया तेल। साथ ही साथ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून शक्कर हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत बढ़िया सी हमारी तंदूरी रोटी जो टेस्ट में भी बढ़िया तैयार होगी। अब ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसे दूध में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें दूध में मिला देना है। अब ये ही दूध से हम आटे को गूंदेंगे। तो चलिए, इस तरह से पहले जो हमने बेकिंग सोडा डाला था उसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे और दूध डालकर हम ये आटे को गूंथ लेंगे। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है इस तरह से। तो चलिए, पहले हम इसे मिला देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा डालकर हम दूध ही से हमें ये आटे को गूंदना है, क्योंकि हल्का दूध जो था ना वो गर्म था। हल्का दूध गर्म में मैंने सारी चीज़ें मिलाई है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से देखिए हम दूध डालेंगे और इसको आटे को गूंद लेंगे। और ये आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे रख देंगे। तो हमें इसे रख देना है लगभग 20 मिनट के लिए। तो हम इसे ढककर इस तरह से कवर करके रख देते हैं 20 मिनट के लिए। या तो आप इस तरह से कवर लगा ले या फिर प्लेट रख दीजिएगा, जैसे आप पसंद करते हैं। इस तरह से प्लेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट के लिए हमें इसे रख देना है और ये 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा देखिए, इस तरह से आटा फूल जाएगा तो हमें इसे वापस से गूंद लेना है ताकि इसमें जो एयर है वो सारी निकल जाए। तो चलिए, आटे को फिर से गूंद लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो ये आटा बिल्कुल अभी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके गोले तैयार कर लेंगे, जिस तरह से पराठे के लिए हम लेते हैं, क्योंकि ये हल्की मोटी ही होती है। तो हमें थोड़ा बड़ा गोला लेना है। हम अलग इसके पार्ट छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और अब हम इसका गोला तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हमें सूखा आटा लगा देना है और सूखा आटा लगा कर हम इसे गूंद लेंगे, बेल लेंगे। तो चलिए, अब हम इसे रोल कर लेते हैं। तो आप चाहे तो गोल शेप दे दें, आप चाहे तो थोड़ा लंबा ओवल शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से बेल लेना है। ये देखिए, तो ये हमने बेल लिया। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी काली तिल या कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। और इसे इस तरह से फिर से हमें थोड़ा सा रोल कर देना है ताकि वो रोटी में चिपक जाए। अब हमें तवे को पहले से गर्म करने रख देना है और जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर हमने कलौंजी नहीं लगाई थी उसके पीछे का हिस्सा, उस पर पूरी तरीके से देखिए हम इस तरह से पानी लगा देंगे। पानी लगाने से वो तवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी। तो पानी लगाने के बाद तवा, क्योंकि हमने पहले से ही गर्म करके रखा था, तो वो गर्म तवे पर हम ये तंदूरी रोटी डाल देंगे। क्योंकि 2 मिनट हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे तो इस तरह से देखिए फूलने लगेगी। और जब ये इस तरह से फूलने लग जाएगी तब हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद हम इस तरह से देखिए इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर पलटने के बाद हल्का हल्का हमें तवा घुमाकर देखिए इस तरह से सब तरफ से सेकना है ताकि भाप सब जगह लगे। और ये देखिए, ऐसे ये फूलती जाएगी और हल्का सा हम इस पर सुनहरा कलर आने देंगे ताकि हमारी रोटी जो है वो कच्ची बिल्कुल ना रहे और सब तरह से सिक जाए। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ब्राउन कलर अभी इसमें आने लग गया है। तो हम हल्का हल्का सब तरफ से देखिए रोटी को हमने सेक लेना है। तो इस तरीके से देखिए हम रोटी को सेक लेंगे, क्योंकि ये नीचे से भी सिकी हुई है। तो यहाँ पर अब हम ऊपर से लगा लेंगे इसके ऊपर बटर। तो ये हमारी बटर तंदूरी रोटी तैयार हो चुकी है। तो इसे इस तरह से निकाल लेते हैं और पीछे से भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सिकी हुई है, क्योंकि तवा गर्म था और फिर हमने इसे 2 मिनट रखा भी। तो ये पीछे से भी अच्छे से सिक जाएगी और साथ ही साथ ऊपर से भी। तो ये बिल्कुल जैसे बाहर आपको मिलती है ना, उससे भी कई ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और खाने में बहुत ही बढ़िया सी ये तंदूरी रोटी बनकर तैयार होती है। वो भी हमने इसे बनाया है तवे के ऊपर। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और खाने में ये बहुत ही है ज़बरदस्त। तो ये सारी रोटी हमने इसी तरीके से तैयार कर ली। और यहाँ पर ये मैंने बना लिया था चिकन, और चिकन के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो आप कोई भी रेसिपी के साथ, वेज रेसिपी हो, नॉन वेज रेसिपी हो, आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं, जो खाने में बनती है बहुत ही बढ़िया और आसानी से घर पर हम तंदूरी रोटी बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी?